हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम बनाने वाले हैं ये चेचिस। तो वीडियो पूरा देखिए और चैनल पर नया सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। चलिए बनाना शुरू करते हैं ये चेचिस। एक कार्डबोर्ड का पीस ले लीजिए, उसकी लेंथ रख लीजिए 30 सेंटीमीटर और ब्रेथ 2.5 सेंटीमीटर। फिर उसी पे 3 सेम पीस चिपका लीजिए। इसी तरीके से आप 2 सेम पीस बना लीजिए। फिर एक कार्डबोर्ड का पीस कट कर लीजिए, उसकी लेंथ रख लीजिए 4 सेंटीमीटर, ब्रेथ 2.5 सेंटीमीटर। फिर इसी पे 3 सेम पीस चिपका लीजिए। इसी तरीके से आप 3 पीस बना लीजिए। तीनों कार्डबोर्ड के पीस को इस कार्डबोर्ड के पीस पर चिपका लीजिए। इसको कुछ इस तरीके से बना लीजिएगा। 3 सेंटीमीटर का सर्कल बनाकर उसको कट कर लीजिए। इसी तरह के 40 पीस सर्कल कट कर लीजिए। फिर 10 पीस सर्कल एक साथ चिपका लीजिए। फिर 2 सेंटीमीटर का सर्कल कट करके उस पर चिपका लीजिए। फिर उसके ऊपर से 5 पीस सर्कल एक साथ चिपका लीजिए। फिर एक सर्कल लेकर उस पर 2 सेंटीमीटर का कट कर लीजिए। इसी तरह के 5 पीसेस को कट कर लीजिए और इसको एक साथ चिपका लीजिए। फिर इस तरीके की पीस कट करके उसके ऊपर चिपका लीजिए। इसी तरीके से आप दोनों साइड चिपका लीजिए। फिर माचिस की तीली लेकर इस सारे होल के अंदर लगा दीजिए, जिससे ये और मजबूत हो जाएगा। इसी तरीके से आप दोनों टायर बना लीजिएगा। आगे का टायर बनाने के लिए 3 सेंटीमीटर के 20 पीस सर्कल को कट कर लीजिएगा और उस पर 9 पीस सर्कल को एक साथ चिपका दीजिएगा। फिर 2 सेंटीमीटर सर्कल पर ड्रॉ करके कट कर लीजिएगा। कट करने के बाद उसको चारों तरफ से थोड़ा थोड़ा मोड़ दीजिएगा।
फिर उसको उसके ऊपर चिपका दीजिएगा। इसी तरीके से आप दोनों टायर बना लीजिएगा। फिर आप एक पेन का रिफिल लेकर के उसको कुछ इस तरीके से कट कर लीजिएगा और दोनों साइड इसको कुछ इस तरीके से चिपका दीजिएगा। और एक साइकिल की तीर लेकर के उसको कट करके कुछ इस तरीके से मोड़ लीजिएगा। और पेन की रिफिल के अंदर इसको कुछ इस तरीके से लगा लीजिएगा। और इसको बिल्कुल सीधा मोड़ लीजिएगा। और इसी तरह दोनों साइड लगा लीजिएगा। और इसको कुछ इस तरीके से ऊपर की तरफ मोड़ दीजिएगा। इसी तरीके से हाथ दोनों साइड मोड़ दीजिएगा। और एक हार्ड कार्डबोर्ड का पीस ले लीजिए, चाहे आइसक्रीम स्टिक भी ले सकते हैं, और इसको इसके ऊपर कुछ इस तरीके से लगा दीजिएगा। और एक पेन का पीस कट करके टायर के दोनों साइड लगा दीजिएगा, जिससे टायर अपनी जगह पर रुका रहे। और उस पर कट करके मोटर फिट कर दीजिए। मोटर कुछ इस तरीके से फिट कर लीजिएगा। और इस तरीके की तीन पीस कट करके एक साथ चिपका लीजिएगा। इस तरीके की दो पीस चिपका लीजिए। मोटर के दोनों साइड इसको चिपका दीजिए। और मोटर को कुछ इस तरीके से फिट कर लीजिए। और रबर बैंड ले करके कुछ इस तरीके से उस पर लगा दीजिए। इस तरीके की कार्डबोर्ड पीस लेकर के इसको कुछ इस तरीके से चिपका लीजिए। और इस गियर मोटर को इसके ऊपर चिपका दीजिए। टायर में कुछ इस तरीके से बाईसाइकिल की स्पोक लगाकर मोटर में फिट कर दीजिए। दोनों साइड कुछ इस तरीके से टायर लगा दीजिए। ये RC रिसीवर है, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और सब प्रोडक्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, आप जाके वहाँ से परचेस कर सकते हैं। इसको कुछ इस तरीके से कार्डबोर्ड के पीस पर चिपका लीजिए।
और इसको इसके अंदर अच्छे से फिट कर लीजिए। और चार्जिंग जैक भी इसके अंदर लगा दीजिए। ये बैटरी है 4 वोल्ट की, इसको इसके अंदर लगा लेते हैं। और इसका कनेक्शन हम जल्दी से कर देते हैं। इसका कनेक्शन बहुत इजी है, बस वायर से वायर को मिलाना है। और आप कुछ इस तरीके के कार्डबोर्ड का पीस कट कर लीजिएगा और इसको इसके ऊपर कुछ इस तरीके से चिपका लीजिएगा। देखिए यह बन चुका है, अब इसको चलाकर टेस्ट करने की बारी है।